गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्योंकि 9 क्लास में मैं पिछली कक्षा में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, प्रायिकता, जिसमें से मैंने आप लोगों को बोल दिया था फेयर कॉपी दिखाने के लिए। तो उसमें से कुछ बच्चे जो है मुझे फेयर कॉपी दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो अभी तक मुझे प्रोबेबिलिटी का फेयर कॉपी नहीं भेजे। मैथ में जो है, मैथ क्या, हर विषय का आप लोगों को फेयर कॉपी का बहुत आवश्यकता होगी आगे चल करके। इसीलिए मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग रिविजन के साथ साथ फेयर कॉपी बनाना ना भूलें। आप लोग रिविजन का कॉपी भी नहीं भेज रहे हैं ना फेयर कॉपी भेज रहे हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं 9 क्लास के, वो सारे के सारे जो हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फेयर कॉपी बना लेंगे और वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो चलिए ठीक है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने के बाद जो आपका एक आपका जो दूसरा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो आपका सर्कल है, विड्थ। विड्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग कुछ बेसिक जो है विड्थ के बारे में समझते हैं कि विड्थ में क्या क्या होती है, विड्थ क्या है, What do you mean by circle? और बहुत ऐसी सारी चीजें जो है विड्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज जब क्लास ओवर होगा तो कल से मैं जो हूं वो आपका सर्कल से रिलेटेड जो जितना भी थ्योरम है, जो आपका परमे है, परमे 10.1 अभी तो मैं स्टार्ट किया, आपका क्लास 9 का 10 एक्सरसाइज 10 स्टार्ट किया हूं, तो आज मैं उसका बेसिक लेकर के आया हूं। नेक्स्ट क्लास में आपका जो है परमे, जो आपका थ्योरम जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले विड्थ के बारे में कि विड्थ मेरा क्या है, सर्कल मेरा है क्या। तो यहां हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखे हैं, लैंग्वेज आप लोग को बताते हैं, फिर आप लोग को हम अपनी भाषा में समझाएंगे कि विड्थ क्या है। तो विड्थ आपका बोल रहा है कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ध्यान दीजिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को, सॉरी बिंदुओं का बिंदु पथ विड्थ कहलाता है। तो जो आपका बोला लैंग्वेज में हम वही कर रहे प्रैक्टिकल के साथ में, क्या मेरा विड्थ वही कहलाता है कि नहीं कहलाता है, फिर हम अपनी भाषा में समझाएंगे आप लोगों को विड्थ क्या होती है। तो आपका सबसे पहले क्या बोला, किसी एक निश्चित बिंदु से, तो सबसे पहले हमें क्या लेंगे, निश्चित एक बिंदु ले लेंगे। तो एक यहां पर बिंदु ले लिए, एक निश्चित बिंदु। उसके बाद क्या बोला, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, समान दूरी पर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से एक हम माप ले लेंगे, कोई भी माप ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई भी एक जो है एक माप लेते हैं, या मीटर में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक लेंथ ले लीजिए, एक लंबाई ले लीजिए। तो लंबाई अगर कहीं लेते हैं, सपोज हम 5 सेंटीमीटर की लंबाई लेते हैं, तो वही आपका बोला समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर। तो इस बिंदु से जब हम एक क्या करते हैं, एक माप लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं, और इस बिंदु से चारों तरफ वही समान दूरी, अगर कि यहां पर 5 सेंटीमीटर हम दिए हैं तो यहां भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, यहां भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये जितना भी हो रहा है वो आपका कहां हो रहा है, इस बिंदु से, क्योंकि आपका बोला कि निश्चित बिंदु से जो हम बिंदु लेंगे समान दूरी पर लेंगे, तो यहां से हर जगह हम क्या लेंगे, 5-5 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बिंदु बन गया, संरचना हो गई। तो आप फिर आपका नेक्स्ट बोला है बिंदुओं का बिंदु पथ, तो बिंदु पथ, पथ भी सुता रास्ता आपका, तो जो आपका बिंदु की संरचना हुई है उस बिंदु को अगर कहें हम आपस में सबको मिला देते हैं, सब बिंदु को जितना भी आपका बना हुआ है, तो आपका क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, ये आपका सर्कल बन जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु लेते हैं और उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उस निश्चित बिंदु के समान दूरी, उस निश्चित बिंदु से एक दूरी लेकर के उसके चारों तरफ समान दूरी जब खींचते हैं, उस बिंदु से जो हम निश्चित बिंदु लेते हैं और एक माप लेकर के चारों तरफ समान दूरी खींचते हैं, समान दूरी जो हम दूरी लेंगे, समान दूरी चारों तरफ खींचेंगे उस बिंदु के चारों तरफ, और जब समान दूरी जो खींचे अगर कहीं सभी को मिला देते हैं तो आपका क्या कहलाता है, जो बनता है आपका विड्थ कहलाता है।
तो वृत्त आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका एक बढ़िया सा फिगर, सबसे पहले निर्माण कर लेता हूं वृत्त का, सर्कल का, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल के बारे में बता दें। नेक्स्ट आपका है यहीं पे लिखे हम जीवा, तो जीवा क्या होती है ध्यान दीजिएगा, जीवा में आपका बोल रहा है किसी वृत्त की जीवा जो है आपका, किसी भी वृत्त की जीवा, वह जितनी बड़ी वृत्त हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की जो वृत्त होती है उसकी जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होती है। चलिए वृत्त की परिधि के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम परिधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जीवा के बारे में चर्चा करेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है चलिए समझते हैं। वृत्त की परिधि होता है जब हम एक निश्चित बिंदु लेते हैं और निश्चित बिंदु से जो समान दूरी लेकर के, जो समान दूरी जब हम बिंदु की जो आपका बिंदु पथ का जो कहलाता है, जो बिंदु आपका जो खींचे थे यहां हर जगह जो हम बिंदु लिए थे, तो जब बिंदु की जो संरचना करते हैं हम, तो वही बिंदु जो आपका क्या कहलाता है, जब उस बिंदु को मिला देते हैं तो वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। यह आपका परिधि कहलाएगा, यह भी आपका परिधि कहलाएगा। ये हर जगह जो आपका वृत्त के किसी भी भाग में जब कहीं बिंदु हम दे दिए तो वही आपको क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। इज दिस क्लियर? ये आपका परिधि के बारे में हो गया। नेक्स्ट आप चल रहे थे जीवा के बारे में, परिधि हम तो बता दिया आपका। जीवा आपका क्या करता है ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले यहाँ पे कि परिधि किसे कहते हैं। परिधि ये आपका हो गया हर जगह, जो वृत्त पर किसी विभाग पर जब हम बिंदु कर लेते हैं तो वही आपका क्या होगा, परिधि कहलाएगा। वृत्त पर ही लेना पड़ेगा, उसकी जो आपका रचना होती है, जो आपकी रचना हो रही है उसी पर लेना पड़ेगा। आपका बोल रहा है कि किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे, ध्यान दीजिए दोनों सिरे, पहला छोर और दूसरा छोर, दो छोर है आपका, तो दोनों सिरे क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो वृत्त की परिधि पर अगर हम लेते हैं, वृत्त की परिधि यहां पर पहला है दूसरा यहां पर है, तो अगर कहीं हम इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिला दिए तो यही आपका क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ये रेखा जो आपका क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। इसके लिए जीवा क्या है फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त की परिधि अगर कहीं सपोज हम एक यहां लेते हैं फिर यहां पर लेते हैं, तो अगर कहीं दोनों को जो मिलाते हैं, जो रेखा का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसके लिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया जीवा। जीवा कंप्लीट होने के बाद में और बहुत ऐसी सारी चीजें जो थी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, अगर लिखता तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन मैं आप लोगों को लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ, तो लैंग्वेज में आप लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका छूट रहा है, जीवा के बारे में आप लोगों को बताया, वृत्त के बारे में बताया और परिधि के बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को। अब यहां बात करते हैं त्रिज्या के बारे में एंड व्यास के बारे में। तो आपका जो वृत्त हो गया, ये जो आपका सर्कल हो गया, अब ध्यान दीजिएगा त्रिज्या मेरी क्या होती है, वृत्त का केंद्र, ये मेरा केंद्र हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये मेरा सर्कल है, ये मेरा वृत्त है। अब वृत्त का जो इसको हम बोलते हैं जो बीच में स्थित होता है, जो बिंदु एक निश्चित जो बिंदु लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पता है, केंद्र कहलाता है। यह आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ध्यान दीजिएगा ठीक है। यह आपका केंद्र हो गया जो निश्चित हम बिंदु लेते हैं। अब अगर कहीं आपका क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, आप लोग खुद देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछेगा कि वृत्त का केंद्र जो होता है वृत्त के किस भाग में स्थित होता है, तो वृत्त का यहां पर जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं इस प्रकार से, इस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो वृत्त के दो भाग प्राप्त होते हैं। पहला भाग जो आपका होता है बहिर्भाग, जिसको हम बोलते हैं बाहर, दूसरा जो आपका कहलाता है अंदर वाला, एक जो भाग आपका होता है बाहर का और दूसरा जो आपका भाग होता है वो अंदर का भाग होता है, अंदर वाला जो भाग आपका हुआ। तो ये आपका जो है आप देख रहे हैं यहीं पे फिगर में जो आपका क्वेश्चन पूछा कि वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के किस भाग में स्थित होता है, तो हम कहां देख रहे हैं वृत्त का केंद्र, बाहर वाला भाग ये हुआ, अंदर वाला भाग ये हुआ।
तो वृत्त का केंद्र जो है किस भाग में स्थित है, अंदर में। तो आप जो आपको ऑप्शन जो दिया रहेगा वो आपको टिक लगा देना है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका बात करते हैं त्रिज्या के बारे में। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को, ये आपका परिधि होगा, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका त्रिज्या हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्रिज्या हो गया। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। अगर कहीं ये आपका जो हो गया त्रिज्या, त्रिज्या को अगर क्या मिला देते हैं तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो आपका एक यहां भी बनता है, इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, लेकिन वृत्त के जो बीचों बीच में, वृत्त के परिधि के जो बीचों बीच में जो हम लाइन खींचते हैं उसको जो जीवा जो बनता है वह व्यास कहलाता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह वृत्त का आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो ये आपका त्रिज्या, आधा भाग जो आपका त्रिज्या हो जाएगा और पूर्ण भाग जो आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। आपका क्या क्या बताया अभी, व्यास बताए, त्रिज्या बताए, केंद्र जो आपका होता है, केंद्र के बारे में बताया कि केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है, इसके बारे में मैंने बताया। अब ध्यान दीजिएगा चाप के बारे में, चाप क्या होती है। तो चाप जो आपका होता है वो वृत्त का परिधि का एक भाग होता है। कैसे होता बताएंगे आगे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। चाप जो होता है आपका वृत्त के परिधि का एक भाग होता है। जितनी भी सारे सेंटेंस, जितने भी लैंग्वेज है, जितने भी वाक्य हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो सारे के सारे आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में, क्योंकि ये सब जो बहुत बेसिक है, इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को चैप्टर में समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा त्रिज्या के बारे में बताएं और चाप के बारे में कि चाप जो होता है वृत्त की परिधि का एक भाग होता है। अब चलिए चलते, बहुत लंबा मेरा वीडियो बन रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कुछ जो आपका छूटेगा, बहुत चीज छूट रहा है, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। प्रश्न आपका बोल रहा है पहला नंबर में कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है, क्या स्थित होता है, केंद्र। तो वृत्त के किस भाग में स्थित होता है, बाहर में कि अंदर में, अंदर में। तो यहां पे आप लोगों को भर देना है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ध्यान दीजिएगा कि एक बिंदु, कोई भी बिंदु हम लेते हैं, उस बिंदु का जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो त्रिज्या कहां तक होता है, केंद्र से वृत्त की परिधि तक। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि त्रिज्या से अधिक हो, तो त्रिज्या मेरा यहां से लेकर के यहां तक हुआ, लेकिन अधिक बोल रहा, थोड़ा और खींच देते, बिंदु ले लेते हैं। तो यह जो आपका बिंदु हुआ, कोई भी बिंदु लेते हैं, वो ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, कोई भी जो बिंदु हम लिए, यह वाला बिंदु, वह बिंदु आपका जो है वह वृत्त के किस भाग में स्थित है, बहिर्भाग में या अंतर्भाग में, किसमें स्थित है, तो बहिर्भाग में स्थित है। तो आपको लगा देना बहिर्भाग, बाहर में लिख देना आपको जो खाली स्थान आपका दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे बहिर्भाग लिख देना आप लोगों को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिज्या, त्रिज्या सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के बीचों बीच में जो स्थित होती है वह सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट नंबर, वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा वृत्तखंड, वृत्तखंड जो लैंग्वेज आपका होता है वह वृत्त का एक खंड या एक भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। जैसे हम जो वृत्त लेते हैं और जब वृत्त को खंडित करते हैं, वृत्त को खंड करने के लिए बोला, जब खंडित करते हैं कहां से खंड करते हैं, सॉरी यहां से, देखिए आप पढ़ रहे होंगे, कहां से खंडित करने के लिए बोल रहे हैं, बीच से। और जब हम बीच से खंडित करते हैं और इसको जब अलग अलग करते हैं, और जब अलग अलग करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, अगर के दोनों को मिलाते तो आपका वृत्त कहलाता है, लेकिन जब दो भाग में टूट जाता है तो दोनों भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त इज इक्वल टू वृत्त, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक था वृत्त सर्कल के बारे में, जो आप लोगों को मैंने बता रहा था, आज मैं जो मेरा वीडियो है, जो मेरा क्लास है 9 क्लास के लिए, आज मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और आप लोगों के लिए जो है और नया जो थ्योरम आपका जो बचा हुआ है और कुछ बेसिक जो आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।